गुड मॉर्निंग डियर सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डियर सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत स्वयं पेपर प्रश्न पत्र पंचम स्वयं के अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे आत्म सम्मान के उद्देश्य उसकी आवश्यकता और उसके महत्व पर विशिष्ट रूप से प्रकार से वो चलेंगे। आज से हमारा इस प्रकार के माध्यम से हम आत्म पहचान के लिए क्या रहस्य है, आत्म पहचान के हमारे लिए क्या आवश्यकता है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में हम विशिष्ट रूप से जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आत्म पहचान एक अनावश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आत्म पहचान के आधार पर ही व्यक्ति अपने अंदर स्थित विविध प्रकार की क्षमताओं का विकास करता है, जिसके आधार पर वह स्वयं भी लाभान्वित होता है और दूसरों को भी लाभान्वित करता है। जैसे एक छात्र के रुचि सामाजिक कार्य के अंतर्गत है तो वह सामाजिक कार्य के प्रति अपनी रुचि को प्रकट करते हुए समाज और जन के कार्य करेगा, जिससे वो उसको लाभान्वित होता है और समाज के अन्य लोगों को भी उसका फायदा है वो बचेगा। इस प्रकार से आत्म पहचान के उद्देश्य उसकी आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार से पहला स्वयं की योग्यता की ज्ञान के पहला क्या है स्वयं की योग्यता एक ज्ञान है। आपको आत्म पहचान स्वयं की योग्यता के ज्ञान के लिए एक विशेष प्रकार की सीढ़ी है, जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। सामान्य रूप से जब एक शिक्षक विकास के लिए दूसरा है व्यक्ति तो एक विकास के लिए आत्म पहचान व्यक्तित्व के विकास को निखारने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन आत्म पहचान के द्वारा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्जुटता है। सर्वप्रथम शास्त्र व्यक्ति को आत्म पहचान की आवश्यकता तब होती है जब वह अपना मानसिक विकास करना चाहता है। आत्म पहचान की प्रक्रिया मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आत्म पहचान के माध्यम से छात्र स्वयं एवं दूसरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक योग्यताओं को पहचानने का प्रयास करता है, जिससे उसके अंदर अनेक प्रकार के टूटे होते हैं वो हो जाते हैं और इस प्रकार से उसका छात्र का वास्तविक और रूप से मानसिक विकास है वो होता है तथा आत्म पहचान मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक
पहचान को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति के लिए आत्म अध्यात्म ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर नैतिकता के संबंधित गुणों का विकास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर नैतिक संबंधित गुणों का विकास हो जाता है तो वो स्वयं में अपने आत्म पहचान कर लेता है और एक अध्ययन प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है। आत्मविश्वास आत्म पहचान के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की भावना का विकास। नेक्स्ट है आत्मविश्वास आत्म पहचान की प्रक्रिया में आत्मविश्वास की भावना काफी तीव्र गति से विकास होता है। जैसे एक छात्र को यह अनुभव हो जाता है कि वो क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी है तो परंतु यह पूर्ण रूप से विश्वास पूर्ण नहीं कर सकता। अतः जब शिक्षक है उसके अंदर साथी कहते हैं कि वो क्रिकेट अच्छा खेल सकता है क्रिकेट में बनने की प्रतिभा छुपी हुई है तो उसे ज्ञान हो जाता है कि वह एक अच्छा क्रिकेटर बन जा फिर नेक्स्ट है शैक्षिक सफलता के लिए। शैक्षिक सफलता के लिए आत्म पहचान की प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षिक सफलता विशेष रूप से जुड़ी हुई होती है। जब छात्रों द्वारा विभिन्न अपने विभिन्न प्रकार के शैक्षिक योग्यता है रुचि को पहचान लिया जाता है तो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो जाता है और उन्हें स्वयं आत्मा पहचान एक प्रतिभाशाली बालक छात्र के रूप में पहचान है वो सिद्ध कर लेता है। इसके लिए इस कार्य के लिए शिक्षक शिक्षा के छात्र भी महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं। इस प्रकार से शैक्षिक सफलता के लिए भी आत्मा पहचान नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। आत्म सम्मान के द्वारा सॉरी आत्म पहचान के आधार पर संवेगात्मक स्थिरता का विकास होता है। एक छात्र द्वारा अनेक अवसरों पर अपने साथियों के साथ में वाद विवाद हो जाता है। उस छात्र को यह अनुभव नहीं होता है कि उसका व्यवहार हमारी संगति के कारण में ऐसा होता है। जब शिक्षक द्वारा उसे अनुभव कराया जाता है कि वह उससे सामान्य बच्चों के जैसा व्यवहार करना चाहिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए तब वह उसके समुदाय के हैं आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होता है। संवेदनात्मक स्थिरता के विकास के लिए भी आत्म पहचान का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है तर्क के चिंतन के विकास। आत्म पहचान की प्रक्रिया में तर्क चिंतन का विशेष व्यापक प्रयोग होता है। छात्र जब किसी घटना या सत्य को अपने मन अपने चित्र के रूप में निर्माणित कर देता है तो उसके उसको विभिन्न प्रकार के तर्क और चिंतन भूमिका कोशिश है वो उत्पन्न करते हैं। जैसे एक बालक द्वारा कहा जाता है कि इसके अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व प्रसन्न विद्वान है तो छात्र अपने अंदर अपने प्रश्नों की वास्तविक स्थिति
चला।